प्रदेश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 हीरो पैशन एक्सप्रो आईबीएस वेरिएंट का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, फाइनली हीरो ने अपने हीरो पैशन एक्सप्रो में आईबीएस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और ये ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, लुक्स वाइज इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, इसमें आपको टोटल ओल्ड मॉडल की तरह ही डिजाइन मिलता है। इसके इंजन पावर में भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, और ना ही इसमें आपको न्यू कलर का ऑप्शन मिलता है। जो नया चेंज है वो सिर्फ आईबीएस टेक्नोलॉजी का ही है। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प मिलता है, और कॉर्नर्स पर आपको हेलोजन लैंप मिलता है जो नाइट में आपकी बाइक को एक आई कैची लुक देता है, और सेंटर में आपको सेम हेलोजन बल्ब मिलता है। दोस्तों, इंडिकेटर्स, इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, और इंडिकेटर्स में मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगर इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं तो अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो इंडिकेटर्स को ज़्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन इसमें आपको फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं जिससे अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो इंडिकेटर्स टूटने की संभावना बढ़ जाती है। रेयर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको LED टेल लाइट मिलती है। अभी तक ऐसी बहुत ही कम बाइक होगी 110 सीसी के सेगमेंट में जिसमें आपको LED टेल लाइट मिले। और दोस्तों, नाइट में जो LED टेल लाइट की विजिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे जो पर्सन पीछे राइड कर रहा होता है उसे आपकी टेल लाइट की जो रोशनी है वो अच्छे से दिखाई देती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर में आपका टोटल स्पीड बता दिया जाता है, और डिजिटल मीटर में आपका लो फ्यूल इंडिकेटर, आपका सर्विस रिमाइंडर, ओडोमीटर और एक ट्रिप मीटर मिल जाता है। बाकी इसमें आपको सारे बेसिक से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, आपका i3S इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, पास इंडिकेटर और लेफ्ट राइट इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाता है, और इसमें आपको रिसेट की बटन भी मिलती है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, हैंडलिंग बाइक की बहुत अच्छी है, हैंडल की जो ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, जो सारे बेसिक स्विच आपको हर बाइक में मिलते हैं वो इसमें दिए गए हैं, और जो मिरर्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। राइट तरफ के हैंडल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको आपका i3S की जो स्विचेस होती है ऑन और ऑफ की वो आपको मिल जाती है, और इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 109.15 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक OHC विथ i3S कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 9.5 PS एट 7500 RPM का पावर और 9 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM का टॉर्क मिलता है, और इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन मिलता है, और जो नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको मिलते हैं वो आपको 4 मिलते हैं, और एग्जॉस्ट इसमें आपको पियानो प्लेटिंग वाला मिलेगा। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 2.75 इंचेस का टायर साइज मिलता है विथ 18 इंचेस व्हील साइज, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, और 240 mm के इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों, इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं, एक डिस्क वेरियंट और एक ड्रम वेरियंट। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको स्विंग आर्म विथ 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 3 इंचेस का टायर साइज मिलता है, और इसमें भी आपको 18 इंचेस का व्हील साइज मिलता है 130 mm के ड्रम ब्रेक्स के साथ में, और दोनों ही टायर्स आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, कोई पेनी या नुकीली चीज आपके टायर के अंदर घुस जाती है तो थोड़े समय के लिए आप बेफिक्र होकर अपनी बाइक को राइड कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईबीएस टेक्नोलॉजी आखिरकार वर्क कैसे करती है। दोस्तों, ये बिल्कुल ही कॉम्बी ब्रेकिंग की तरह ही वर्क करती है, बस इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम कॉम्बी ब्रेकिंग की तरह ही वर्क करता है, कि जब भी आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हो तो आगे का ब्रेक भी दब जाता है, जिससे जो आपका सेफ्टी लेवल है वो बढ़ जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल पास हुआ था, जिसमें आपको हर बाइक्स में या तो ABS या कॉम्बी ब्रेकिंग टाइप आपको ब्रेकिंग सिस्टम देने का रूल लागू हुआ था। तो इसी चीज़ के नक्शे कदम पर चलते हुए सारी कंपनीज अपनी बाइक्स में सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स अपडेट कर रही है। सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल सीट मिलती है, जिससे जो सीट की कुशनिंग है, जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे अगर आप दो या तीन लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है वो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाएगा, कोई भी पेनिंग इसमें आपको नहीं होगी।
तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोग के रोजाना ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों अगर आप कुछ डाउट्स रिलेटेड टू हीरो पैशन एक्सप्रो आईबीएस से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक।